हेलो एंड वेलकम टू द स्टूडियो ट्रेडर्स। बाटा इंडिया को आज का दिन हमने ट्रेड किया था, क्या एनालिसिस थी हमारी इसके अंदर की, क्या देख करके हमने इसको ट्रेड किया था। अभी कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके थ्रू 1 आवर का टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना होता है। अभी उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको देखिएगा। यहाँ पर ये एक ग्रीन कैंडल है जो कि हमारी उस फॉर्मेशन का हाइएस्ट हाई है, ये हमारी ब्लैक वाली लाइन। प्राइस में एग्जैक्ट आज इस लेवल से एक रिजेक्शन आया था जिसके अकॉर्डिंग हमने बाटा इंडिया के अंदर अपनी पोजीशन बनाई थी, बिकॉज इस ब्लैक वाली लाइन के पास से प्राइस ने अच्छा खासा एक सपोर्ट लिया। प्राइस सबसे पहले हमारी इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की दिशा में गया, इसके बाद में एक रिजेक्शन और फिर से अपसाइड। इस स्टॉक को अपने प्रीमियम ग्रुप में हम लगातार टिक बाय टिक अपडेट करते जा रहे थे कि कब पोजीशंस को होल्ड करना है। 10:05 की शायद एक कैंडल थी या शायद 10 बजे की कैंडल थी जिसके ऊपर हमने कहा था प्राइस होल्ड ऑन कर सकता है, यहाँ से अब बाहर निकल जाना। और उसका स्क्रीनशॉट भी हमने अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर शो किया था। टर्मिनल पर लॉगिन करके सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपनी ऑर्डर बुक देखें। एस्प्रेसो लॉगिन, ओके एस्प्रेसो एंड प्री लॉगिन है, क्लिक करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर बुक देखेंगे। ऑर्डर बुक में आप देख सकते हैं 665 क्वांटिटीज का पूरा ऑर्डर हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था अपना। एंड स्टॉप लॉस वगैरह हमारे जो थे 167.1647 के हमारे स्टॉप लॉस थे, ये ऑर्डर बुक है। एंड ये अपना किन पॉइंट्स पर हमने अपने स्टॉप लॉस और बाइंग एंड सेलिंग के ऑर्डर्स लगाए थे, सारी चीज़ आप देख सकते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, परफेक्ट ठीक है। तो 1647 के मेरे स्टॉप लॉस थे। टारगेट जो हमने इसके अंदर बुक किया था 1673.20 पर अपना जितना टारगेट था, सारी की सारी पोजीशंस हमने यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर दी थी। एंट्री जो हमने ली थी इसके अंदर अपनी 1615.50 की हमारी एंट्री थी। और पोजीशन बुक ओपन करते हैं। ओवरऑल जो हमारा आज का प्रॉफिट है इंट्राडे सेशन का 14,430.50 का ओवरऑल हमारा आज का प्रॉफिट था। एक डिसेंट सा प्रॉफिट है और एक स्मूथ ट्रेडिंग सेटअप था जिसको कि आगे चल करके अभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, किस तरह से हमने प्राइस का ट्रेंड आइडेंटिफाई किया था एंड ओवरऑल हमारी एनालिसिस क्या रही आज पूरे इस ट्रेडिंग सेशन के दौरान की। आज एक तरह से मार्केट पूरे रिकवरी मोड में थी, जिस तरह से 2 दिन तक मार्केट एक जोन के अंदर घूम रही थी, आज इसने ओपनिंग ही उन सभी लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद में दी थी। उसका असर लगभग जितने भी स्टॉक्स हैं सभी के ऊपर पड़ा। मेटल सेक्टर हो, आपका फार्मा सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, सभी स्टॉक्स आज हमारे लगभग लगभग पॉजिटिव मोड में रहे। थैंक्स एंड स्टार्ट करते आज के अपने एनालिसिस वीडियो। अभी हमने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था, हाउ प्रोफेशनल्स यूज 1 आवर टाइम फ्रेम, एक अंडरस्टैंड वीडियो था हाउ प्रोफेशनल्स यूज 1 आवर टाइम फ्रेम। इसमें देखिए एक फॉर्मेशन के बारे में हमने आपको बताया था कि एक कैंडल होती है जिसका कलर कोई भी हो सकता है क्योंकि वो स्टार्टिंग की कैंडल होती है, ये वाली कैंडल। इसके बाद में फर्स्ट वाली कैंडल से ज्यादा एक हायर ग्रेटर देन फर्स्ट वॉल्यूम एक सेकेंड वॉल्यूम जनरेट होती है जो कि आपकी बुलिश भी हो सकती है, बेयरिश भी हो सकती है। और इसके बाद में थर्ड वॉल्यूम आती है जो कि ग्रेटर देन होती है हमारी फर्स्ट वाली वॉल्यूम से। इस तरह से हमने एक वीडियो बनाकर के अपलोड किया था 15 मई को, इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे क्योंकि आज का जो एनालिसिस वीडियो हमारा है इसी सिस्टम और इसी मेथड के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर देखिए सारे के सारे रूल्स लिखे हुए, फर्स्ट वॉल्यूम एनी कलर डिफरेंट देन द सेकंड जो वॉल्यूम है डिफरेंट देन द फर्स्ट वन एंड ग्रेटर देन द फर्स्ट वॉल्यूम, बार थर्ड वॉल्यूम ग्रेटर देन द फर्स्ट वॉल्यूम विद एनी कलर एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पर इस सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसको कि जब आप ये वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। अब ये काम करते हैं क्योंकि ये सिस्टम के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना करके अपलोड कर रखा है, तो इस सिस्टम को हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे इस वक्त, अभी इस वीडियो में। थोड़ा बहुत जो होगा तो वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे और इसको अगर समझना है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग जाओगे तो इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। अभी हम लोग एक काम करते हैं कि जिस तरह से ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं और उसका जो पूरा सिस्टम है, जो मेथड है, इस वीडियो के अंदर है। वीडियो के अंदर आप जाइए, वीडियो को प्ले कीजिए और एक एक चीज आपको समझ में आएगी। अच्छा खासा एक 16:43 का वीडियो है और काफी कुछ हमने इसके अंदर समझाने की कोशिश की है। वापस चलते हैं अपने स्टेप। देखिए सारी मार्किंग्स को हम लोग हटा देते हैं, यहाँ आते हैं सीधे 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर कुछ प्राइस एक्शंस बने हैं, जैसे कि मार्केट गिरते 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 यहां तक आई है और 1:15 की कैंडल हमारी 17th of June की, 17th of June। अभी इसको डे टाइम फ्रेम पर आप देखो, प्राइस को कैसे भी करके ना हमें बस एक लेवल निकालना है जहां से कि हम इसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाए। वो डे टाइम फ्रेम पर भी हो सकता है, वो आवर्ली पर भी हो सकता है, वो 4 आवर पर भी हो सकता है।
आपकी एक्सपर्टाइज किस पॉइंट्स के ऊपर है? आप सब सारी चीजों के ऊपर तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते, आप आरएसआई के भी ऊपर हो जाओ, आप बोलिंजर बैंड के भी ऊपर हो जाओ, आप मूविंग एवरेज के भी ऊपर हो जाओ, आप फिबोनाची सबके ऊपर तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते ना, कोई एक ही पॉइंट लेना है, एक ही पॉइंट के ऊपर एक्सपर्ट होने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। तो यहाँ तो बहुत कुछ है जो वीडियो हम डे बाई डे अपलोड करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप इसको देखो, बहुत हेल्प इससे मिलेगी। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, एक कॉमन सेंस लगाई कि मार्केट हमारी अप से डाउन साइड की तरफ लगातार गिरती चली आ रही है। मदर कैंडल का फॉर्मेशन वॉल्यूम, आप लोगों को मदर कैंडल को कहा जाता है कि जो कैंडल हमारी मदर कैंडल फॉर्म करती है, लाइक एक ये वाली कैंडल होगी और एक ये वाली कैंडल होगी। अब प्राइस का जो ब्रेकआउट है मदर कैंडल को ट्रेड करने का क्या तरीका है, प्राइस का ब्रेकआउट इसके बाहर की दिशा में होना चाहिए। और भी कई सारी चीजें जो कि देखी जाती है वॉल्यूम के थ्रू भी, लोअर टाइम फ्रेम की प्राइस एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी। एक इन शॉर्ट अगर हम बताएं तो मदर कैंडल बनी है, अब इसके बाहर की दिशा में ट्रेड कर सकते हो, इन साइड भी ट्रेड किया जाता है। लेकिन इस चीज को समझिए कि क्यों कहा जाता है कि आप मदर कैंडल को बाहर की दिशा में ट्रेड करो, बिकॉज जो हाई और लो होता है हमारी इस मदर कैंडल का, ये बहुत अच्छी तरह से रिजेक्ट करता है प्राइस को। जैसे ये एक कैंडल हो गई, इसके अंदर ये बेबी कैंडल फॉर्मेशन बन गई, अब बाहर की दिशा में तभी ट्रेड करेंगे क्योंकि ऐसा होता है कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो बाहर की दिशा में स्पीड से होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां से प्राइस में रिजेक्शन होता है, स्टॉप लॉस जाते हैं यहाँ पर ट्रेडर्स के, इस वजह से प्राइस के मूवमेंट्स होते हैं, सेम चीज होती है डाउन साइड। तो कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं कि जो मदर कैंडल का लो है एक सपोर्ट, हाई एक रेजिस्टेंस, इस तरह से वर्क करता है। क्लियर है ना? छोटी छोटी चीजें देखिए, एक एक कैंडल हमारी पिछली कैंडल से जुड़ी होती है। अब प्राइस हमारा अप से डाउन साइड की तरफ लगातार गिरता चला रहा है, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन कल को क्या हुआ था, कल मार्केट पूरी साइड में थी, बट इंडिया भी साइड में रहा, बट इस साइडवे सेशन के दौरान प्राइस ने यहां पर एक सपोर्ट बना लिया मदर कैंडल के अकॉर्डिंग, है ना, एक मदर कैंडल फॉर्म। अब अगर प्राइस को नीचे की दिशा में जाना है तो मदर कैंडल का लो ब्रेक करना होगा, मतलब कि 1607 ये एक सपोर्ट बन गया। प्राइस लगातार गिर रहा है बट यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म कर रही है मार्केट, किसी भी स्टॉक में लगा लो आप, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है बाटा इंडिया में सिर्फ आज के लिए, आप किसी भी स्टॉक में लगा लो, प्राइस लगातार गिर रहा है, एक मदर कैंडल फॉर्म है, मतलब कि वहां पर एक सपोर्ट बना है। क्लियर है ना? डे टाइम फ्रेम पर हम ये देख रहे हैं कि मदर कैंडल के अकॉर्डिंग प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म किया और प्राइस लगातार मेरा गिरता चला जा रहा है। ये जो पिन बार है हमारी, इसके अंदर क्या हुआ था, एक हैवी वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ था। एक ये वाली कैंडल थी हमारी और एक शायद ये ब्लैक वाली कैंडल थी, यहाँ पर वॉल्यूम को ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए ये ब्लैक वाली कैंडल है, यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट, यहाँ देखिए क्या हुआ है, प्राइस हमारा हमारे इस लेवल इस एक जोन के अंदर है, अब इसको अपसाइड से डाउन साइड की तरफ गिरा है और इसको बाहर की दिशा में जाना है तो अपने इन लेवल्स का ही ब्रेकआउट करेगा बाहर की दिशा में। तो डे टाइम फ्रेम पर आप ये समझते हो कि प्राइस हमारा एक सपोर्ट है। अब आ जाते हैं अपने इस 1 आवर टाइम फ्रेम की स्ट्रेटजी के ऊपर, क्या बोलती है वो, 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ है कि मार्केट जैसे ही नीचे की दिशा में आई, इसके अंदर एक सपोर्ट फॉर्म हुआ और इस ग्रीन वाली कैंडल का हम एक काम करते हैं, हाई मार्क कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो वॉल्यूम आप देखोगे तो कैसी आई है, मार्किंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, 12:15 की कैंडल, 1:15 की कैंडल और 2:15 की कैंडल, ये कैंडल्स हमारी एक फॉर्मेशन फॉर्म कर रही है, मतलब कि यहाँ पर एक स्विंग लग रहा है। डाउन साइड पर हमारा ये सपोर्ट, ये तो सपोर्ट है और इसके बाद में हमारी ये ग्रीन वाली कैंडल और ये ब्लैक वाली कैंडल, हम लोग ये काम कर सकते हैं, यहाँ पर इस ग्रीन वाली कैंडल का भी हाई मार्क कर सकते हैं और इस ब्लैक वाली कैंडल का भी हाई मार्क कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में दोनों ही मार्किंग हमारी परफेक्ट है, बिकॉज प्राइस एक्शन यहाँ पर कुछ इस तरह के बन रहे हैं। आइडियल कंडीशन में अगर इस सिस्टम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम चले तो हमें तो हाईएस्ट हाई मार्क करना, और हाईएस्ट हाई यहाँ पर क्या है, 17 जून की 2:15 की कैंडल का हाई, तो काम करते हैं इस हाई को ही मार्क करते हैं, इस वाली लाइन को हम डिलीट करते हैं। क्लियर? मतलब एक लो और एक हाई हमने मार्क कर लिया। अब हमें आज का दिन ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो हम किस तरह से अपना ट्रेड ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आई, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन थे। यहाँ पर देखिए प्राइस हमारा डाउन साइड की तरफ गिरा और 915 का जो हाई है ये हमारा हमारे उस लेवल से ही टच। इससे पहले जो भी हमने मार्किंग की थी अपनी इस ग्रीन वाली कैंडल का भी हमने हाई मार्क कर लिया था। क्यों मार्क किया था? क्योंकि ये मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल था, हमने इसलिए इसको भी मार्क कर लिया था। और आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था 1644, ये हमारा एक रेजिस्टेंस और जब प्राइस अपसाइड की तरफ निकलता है तो ये एक अच्छा सा सपोर्ट बनता है बाटा इंडिया के अंदर। इस वजह से हमने क्या किया कि 5 मिनट पर यहाँ पर लिए कंफर्मेशन, प्राइस ने जो रिजेक्शन देखा है हमको इस लेवल तक अपने रिजेक्शन दिखाए और जैसे ही मार्केट अपसाइड की तरफ गई हमने क्या किया था ना, 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अपनी कंफर्मेशन ली थी और एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ओवरऑल ये सिंपल सी एनालिसिस थी जो कि अभी हमने बताया कि वीडियो आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ से जैसे ही प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ गया यहाँ से हमने अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। 1 आवर पर आप देखिए कि प्राइजेस में जो पोजिशनिंग की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चंस लाइक कि ये वाली एक कैंडल हमारी ग्रीन वाली कैंडल क्यों हमने इसको मार्क किया, प्राइस हमारा अप से डाउन साइड की तरफ लगातार गिर रहा है और ये एक ग्रीन वाली कैंडल, इसके बाद देखिए हुआ क्या है, प्राइस नीचे की दिशा में गिरा एक मूव और इसके बाद में प्राइस फिर अपसाइड की तरफ,
कोई भी पॉजिटिव कैंडल फॉर्म नहीं हो रही यहाँ पर। प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ तो जा रहा है, बट अगेन ये नीचे की दिशा में गिर रहा है, फिर से अपसाइड की तरफ, फिर से नीचे की दिशा में गिर गया और अगेन आज प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ है। इसलिए यहाँ पर इस ग्रीन वाली कैंडल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ये जो बड़ी वाली कैंडल है ये तो आज के दिन फॉर्म में है, बट लास्ट की जो ग्रीन कैंडल थी वो ये वाली कैंडल। इस वजह से हमने इस कैंडल का अपने की इंपॉर्टेंस समझा और हम फिर से कह रहे हैं यहाँ पर आइडियल कंडीशन में जो हमें मार्किंग करनी वो इसे कैंडल को करनी। हम दोनों ही कैंडल्स लेकर के चल सकते हैं। क्यों? फिर से देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, इसके बाद में मार्केट क्या कर रही है यहाँ पर? एक मदर कैंडल, इसके बाद में मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है? प्राइस अपसाइड की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, फिर से नीचे की तरफ गिरा। अगेन इस रेंज के अंदर ही प्राइस ने ट्रेवल किया है और इसके बाद में देखिए दो तीन बार प्राइस हमारा बाहर की दिशा में जाने की इसने कोशिश की, एक दो तीन, बट प्राइस फिर से हमारा अंदर की दिशा में आ गया। और बाहर की तरफ भी जो प्राइस गया है ना आवली टाइम फ्रेम पर, वो भी कोई पॉजिटिव नहीं है। उसने जो कैंडल क्लोज की हमारी रेड कैंडल्स क्लोज की, मतलब नेगेटिव कैंडल है। कुल मिलाकर के यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है। जब आप वॉल्यूम्स को ऑन कर लोगे तो देखिए वॉल्यूम्स यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, एक तरह से वॉल्यूम्स हमारी नीचे की दिशा में गिर रही है और प्राइस हमारा अंदर की तरफ आ गया। मतलब कि प्राइस नीचे की दिशा में जा रहा है और इसकी जो वॉल्यूम्स हैं ये कम होती चली जा रही हैं और यहाँ पर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए और प्राइस हमारा पूरी तरह से रेंज के अंदर आ गया। मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग डाउन मूव है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और प्राइस हमारा गिर रहा है नीचे की दिशा में। एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद प्राइस हमारा सपोर्ट लेने गए यहाँ से। और आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था कि जिस लेवल से प्राइस ने वॉल्यूम्स इंक्रीज करने के साथ साथ एक डाउन मूव दिखाया था, आज प्राइस अगेन हमारा हमारे उसी लेवल पर। आई होप कि अब समझ में आया होगा कि यहाँ पर हम लोग क्यों इन दोनों लाइंस को मार्क कर सकते हैं। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जब आपको मार्क करना हो तो एक हाईएस्ट हाई ही आप मार्क करें। सो इन दोनों ही कंडीशंस को हमने आपको समझा दिया, एक ही पॉजिटिव कैंडल और हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 2:15 की कैंडल का हाई। अब आ जाइए आप सीधे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम। देखिए सारी चीज समझ में आती है जब आप लगातार काम करते हो, तो कुल मिलाकर के जैसे जैसे मार्केट में आप काम करते चले जाओगे, एक सिस्टम को, एक स्ट्रेटजी को पकड़ करके उसके ऊपर मास्टर होने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं है कि आज दूसरा सिस्टम, कल दूसरा, उसके बाद में दूसरा, फिर दूसरा। एक सिस्टम को पकड़ करके काम करो, आपको खुद बिल्कुल स्मूथ, एकदम स्मूथ लगेगी मार्केट। स्मूथ लाइक कैसे? आप उसके अंदर प्रॉपर एक मनी मैनेजमेंट करो, एक रिस्क मैनेजमेंट करो। यहाँ पर क्यों? जब हम कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें, जैसे 4.5 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है और 3000 का मेरा रिस्क है, आप डिवाइड कर दीजिए 666 666 क्वांटिटीज कुछ निकल करके आएंगे, 666। थोड़ा सा हमने एक क्वांटिटी कम कर दी, 665 क्वांटिटीज यहाँ पर रख दी। मैनेज करो, जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो मालूम है 3000 से ज्यादा हमको लॉस नहीं होना, आप होल्ड कर सकते हो प्राइस। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि कुछ भी करो आप उसके अंदर मैनेजमेंट करते हुए चाहिए। ओवरऑल जो हमारी आज की एनालिसिस थी डे टाइम फ्रेम की वो ये वाली थी, एंड लोअर टाइम फ्रेम्स की मार्किंग आपने समझी। तो एंट्री जो हमारी थी 1.65 पर एंट्री थी, स्टॉप लॉस 1.644 के अराउंड, नहीं यहाँ पर नहीं, स्टॉप लॉस हमारा था 1647 रुपए, एंड जो टारगेट प्राइस था हमारा 1673.20 हमारा ये टारगेट पॉइंट क्यों था? हमने क्या कहा था अभी कि 10 बजे की कैंडल थी जिसके ऊपर हम प्राइस के मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए 10 बजे के बाद में प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ गया और ये एक ग्रीन कैंडल थी जिसके हाई से रिजेक्शन मिला। प्राइस हमारा इस 11:25 के कैंडल को ब्रेक करके ऊपर की दिशा में गया, देखिए यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलने लगा। हमने चुपचाप क्या काम किया, 11:25 की कैंडल के जस्ट हाई के ऊपर हमने अपनी एग्जिट मार, तो जो एवरेज प्राइस हमको मिला वो 1673.20 का। ओवरऑल आज का ये हमारा ट्रेडिंग सेटअप था। आई होप कि आपको समझ आया होगा और जो चीज हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अभी आपको समझाई है ये भी क्लियर हुई होंगी। और ये वीडियो खत्म करने के बाद में आप उस वीडियो पर जाना, बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। थैंक्स, एंड अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। जब भी हमको एक हाई कन्विक्शन लिखती है किसी भी स्टॉक में, आप उसको ट्रेड कर सकते हो, तो वो स्टॉक उनके लेवल्स मार्क करके बाइंग करनी है फिर सेलिंग करनी है, हम कभी कभी देते हैं, बट वहां पर आपको मिल जा सकता है। निफ्टी 50 के लेवल्स हम रोज मार्क करके शेयर कर देते हैं, स्टॉक्स रोज हम वहाँ पर शेयर करते हैं, उनके लेवल्स भी शेयर। तो एक तरह से अगर आपके पास प्रॉब्लम है कि आप स्टॉक सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, आप उनके लेवल्स भी फाइंड नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। आप निफ्टी के लेवल्स मार्क नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एंड अब हम लोग मिलेंगे कल के अपने ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, एंड वी विल मीट अगेन।